दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से YouTube पर जाएं, सर्च करें बुंदेलखंड टुडे और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पहुंचे आप तक। टहरौली तहसील में बरसात की गति बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में टहरौली तहसील के ग्राम टहरौली खास निवासी नाथूराम पुत्र भागीरथ कुशवाहा प्रतिदिन की तरह अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी एक पानी के गड्ढे में डूबने से उसकी मौत हो गई। प्राथमिक उपचार के लिए परिजन उसे नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टहरौली ले आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपका नाम? मोनू कटियार, फार्मासिस्ट। आपके यहाँ जो आज एक मृतक की लाश रखी है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे, क्या जानकारी? मुझे तो उनके परिजनों ने बताया कि ये खेत पे गए हुए थे, वहीं किसी गड्ढे में डूब के इनकी मृत हो गई। मेरे पास ये मृत अवस्था में आए हुए थे, तो जिनको पोस्टमार्टम के लिए मऊरानीपुर भेजा गया। प्रधान जी, ये कैसे घटना हुई और इस घटना में क्या जानकारी है? ये 5 बजे अपने खेत पे गया, खेत के बगल में एक खदिया टाइप वो बना है पानी का, वहाँ पे क्या पता क्या वहाँ पे गिरा पड़ा मिला हम लोगों को। तो जब हमें खबर लगी तो गए तो उठा लिया हॉस्पिटल में। प्राथमिक उपचार कहाँ करवाया आपने? नहीं, अभी सुबह की तो बात है, 5 बजे की। इसके बाद यहाँ हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल में कह दिया कि मर गया है। हमने पुलिस को, डॉक्टर साहब ने कंप्यूटर हैं जो, उन्होंने डॉक्टर वहाँ लिखा थाने को, थाने से पुलिस आई पोस्टमार्टम के लिए पहुँचा रहा है। कहाँ थे और कैसे घर पर निकले? घर से निकले पता नहीं, खेत पर थे ये पता नहीं है कि कैसे गिरे। अच्छा सर, आपने प्राथमिक उपचार किए कहाँ लाया? यहीं पर सी। डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने कुछ नहीं, जांच की, बोले खत्म है। डॉक्टरों ने इसकी सूचना टहरौली पुलिस को दी, जहां पुलिस ने मौके पर आकर मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टहरौली से देवेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।